हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 17, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट्स 18 एंड 19 सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है, मैं 19 करूंगी तो आपका 18 भी क्लियर हो जाएगा। 18 में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है एंड सैलरी दिया हुआ है एंड ईयरली रेंट दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट। तो रेंट की एंट्री हम कैसे करेंगे, ये मैं 19 वाला करूंगी तो आपको ऑटोमेटिक 18 वाला आ जाएगा। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 60:40। देयर कैपिटल वर पी 5 लाख एंड क्यू 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट 7,60,000। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। पी विल गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन टर्नओवर। क्यू विल गेट अ सैलरी 5,000 पर मंथ। क्यू विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। पी इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रेमिसेस बाय द फर्म। पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर 40,000 एंड 30,000। टर्नओवर 20 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। दे अर्न ए प्रॉफिट 7,60,000 एंड क्यू इज एंटाइटल टू अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रेमिसेस बाय द फर्म। रेंट की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं, रेंट की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, वैसे ही हम रेंट भी करेंगे। तो पहले हम लिख देंगे इधर बाई प्रॉफिट 7,60,000। डेबिट साइड हम लिख देंगे टू रेंट। 20,000 पर मंथ है तो हम 12 से इंटू कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2,40,000। 7,60,000 को हम 2,40,000 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5,20,000। इसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 5,20,000। ये हमारा हो गया रेंट की एंट्री। अब आप यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी बस यही करना है। ये जब ये 5,50,000 नेट प्रॉफिट है एंड इसका रेंट दिया हुआ है 1,20,000। तो पहले 5,50,000 को 1,20,000 माइनस करेंगे, जितना अमाउंट आएगा प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट उसको हम लिखेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी पुट कर देंगे। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 19 का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई नेट प्रॉफिट 5,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड क्यू 5 लाख का 8% 40,000 एंड 3 लाख का 8% 24,000। टोटल हो जाएगा 64,000 एंड पी विल गेट कमीशन 3% ऑन टर्नओवर। तो यहां पहले हम सैलरी कर लेते हैं फिर दोनों का कमीशन हम एक साथ करेंगे। सैलरी कितना हो जाएगा, सैलरी टू क्यूज सैलरी 5,000 पर मंथ है तो 12 into 5 60,000। हम कमीशन कर लेंगे टू कमीशन पी एंड क्यू। पी का हम निकालेंगे 3%, टर्नओवर हमारा दिया हुआ है 20 लाख। 20 लाख का 3% 60,000 हो जाएगा, यहाँ 60,000। अब हम देख लेते हैं इसकी हम क्यू का कमीशन हम कैसे निकालेंगे। क्यू विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन। इट मींस नेट प्रॉफिट में से हम 5,20,000 में से हम 64,000 60,000 एंड
पी का कमीशन 60,000 इन तीनों को माइनस करके निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसका हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। 5,20,000 माइनस 64,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 60,000 एंड पी का कमीशन 60,000, इन तीनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा उस पर हम क्यू का कमीशन लिखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 3,36,000। इसमें देख लेते हैं 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट हमने माइनस किया, सैलरी भी हमने माइनस कर दिया एंड कमीशन। उसके बाद आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन है तो इसका हम कैलकुलेशन जब आफ्टर दिया हो तो हम कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा। 3,36,000 इंटू 5% दिया हुआ है, जब आफ्टर दिया हो तो 100 में रेट को हम ऐड कर देते हैं, 100 प्लस 5 105। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 3,36,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे हमारा आएगा 16,000। ये हम 16,000 लिखेंगे इधर क्यू में 16,000, टोटल कर लेंगे आएगा 76,000। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का आंसर हो जाएगा 64,000 प्लस 60,000 प्लस 76,000 इज इक्वल टू 2,00,000। 2,00,000 माइनस 5,20,000 इज इक्वल टू 3,20,000। 3,20,000 को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3,20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10, 1,92,000। यह हमारा आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट पी 1,92,000 एंड क्यू का हम करेंगे तो हमारा आएगा 1,28,000। यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट 1,92,000 एंड 1,28,000। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, 5,20,000 एंड 5,20,000। अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 5,00,000 एंड 3,00,000, 5,00,000 एंड 3,00,000। अब हम इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 24,000। क्यू को सैलरी मिला है बाय सैलरीज, सैलरी 60,000। कमीशन मिला है बाय कमीशन 60,000 एंड 16,000। अब पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे इधर बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,92,000 एंड 1,28,000। ये हो गया। डेबिट साइड में हम ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री करते हैं। इसमें दिया हुआ है ड्रॉइंग पी का 40,000 एंड सी क्यू का 30,000, टू ड्रॉइंग्स 40,000 एंड 30,000। अब बस हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 3,00,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 1,28,000 इज इक्वल टू 5,28,000 माइनस 30,000 4,98,000। यह हमारा क्यू का कैपिटल अकाउंट का भी आंसर आ गया, क्यू 4,98,000। ये हम बैलेंस कर लेंगे, 5,28,000 माइनस 30,000 टू बैलेंस सीडी
4,98,000। अब हम पी का देखेंगे, 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 1,92,000 इज इक्वल टू 7,92,000 माइनस 40,000, 7,52,000। स्टूडेंट्स यहाँ हमारा पी का भी आंसर आ गया 7,52,000। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।